तो चलिए आज हम अरहर दाल बनाते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप अरहर दाल को लिया था, जिसे मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख लिया है। दाल को बनाने के लिए मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और कुछ कलियां लहसुन के लिए हैं। सारे सब्जियों को हमें ऐसे ही रफली चॉप करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये दाल बनाने में इतना ईजी है कि आप इसे आराम से बना सकेंगे बिना किसी झंझट के। टमाटर को काटने समय ये मोटा वाला जो हिस्सा होता है, ये हार्ड होता है, इसे ज़रूर आप निकाल दें। सारी सब्जियों को हमने काट लिया है, हरी मिर्च को भी मैंने 2 पीस में कर लिया है। कुकर में दाल को डाल लें। अब इसमें हम सारी सब्जियों को भी डाल लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल राम रती की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आप भी बेफिक्र होकर हमें सब्सक्राइब करें। दाल के लिए हम मसाले ले लेते हैं। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। दाल में डालने के लिए हमने थोड़े से खड़े मसाले भी लिए हैं, जिसमें मैंने तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग और 1 इलायची को लिया है। सभी मसाले को हम दाल में डाल लेते हैं। दाल में हम पानी को डाल लेते हैं। इसमें हम 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच घी को डाल लेते हैं। कुकर को हमने गैस पे चढ़ा लिया है। इसमें हम 4 सीटी लगवा लेते हैं। 4 सीटी होने पे गैस को बंद कर लें। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है। दाल हमारे अच्छे से पक चुकी है। देखिए दाल हमारे कितने अच्छे से पकी है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। इसे हम हल्का सा मैश कर लेते हैं। दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। दाल हमारा न ज़्यादा गाढ़ी है और न ज़्यादा पतली, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तड़के के लिए मैंने 1 लाल मिर्च, 2-3 कलियां लहसुन की थी जिसे मैंने लंबे लंबे ही काटा है, थोड़े सा अदरक था उसे भी हमने लंबा ही काटा है, 1/2 चम्मच हमने जीरा को ले लिया है और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर को ले लें। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए मैंने गैस पे एक बर्तन को चढ़ा लिया है। इसमें हम 3 चम्मच तेल डालते हैं। अब इसमें हम सारे मसाले को डाल लेते हैं। तो चलिए इसे हम इसमें डाल लेते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ऊपर से हमने धनिया पत्ती को डाल लिया है। कम समय में, कम मेहनत में रेस्टोरेंट जैसा दाल हम घर पे भी बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।